teach you lesson number 1 from Hindi grammar textbook. So lesson number 1 का नाम है हमारी भाषा, our language. तो पहले हम पढ़ेंगे. बच्चे, नानी एक अच्छी सी कहानी सुनाइए ना. बच्चे बोल रहे हैं अपनी नानी से कि वो हमें कुछ अच्छी कहानी सुनाइए. नानी बोल रही है ठीक है, पहले पौधों में पानी डाल लो फिर कहानी. नानी क्या बोल रही है, ठीक है मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, लेकिन आप पहले क्या काम करोगे, पहले पौधों में पानी डाल लो. बच्चे खुश होकर बोल रहे हैं हाँ नानी जी हम भी आपकी मदद करते हैं. बच्चे क्या बोल रहे हैं खुश होकर कि हाँ नानी हम भी आपकी हेल्प करते हैं. तो ये सब आपस में बातें कर रहे हैं, ये हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं. यहाँ कौन सी भाषा यूज़ की गई है, हिंदी भाषा. वैसे तो भाषा बहुत सारी अलग अलग होती है, जैसे अंग्रेजी, मराठी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, हिंदी, बंगाली. तो सब लोग अपनी अलग अलग भाषा में बात करते रहते हैं. हम अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं. हम अपनी बात दो तरह से कह सकते हैं, बोलकर और लिखकर. हम हमारी बात दो तरह से ही कह सकते हैं, एक है बोलकर और दूसरा लिखकर. कैसे, जैसे मुझे अपनी फ्रेंड से बहुत सारी बात करनी है तो मैं कैसे करूँगी, पहले मैं बोलूँगी और वो क्या करेंगी, मेरी बात सारी सुनेगी, मतलब समझेगी. किससे, भाषा की मदद से. दूसरा है लिखकर. तो लिखकर कैसे, जैसे मैंने आपको बोर्ड पे कुछ लिखकर पढ़ाया तो आप कैसे करोगे, मैंने जो बोर्ड पे जो लिखा हुआ होगा आप पहले पढ़ोगे फिर उसको समझोगे फिर अपनी नोटबुक में कॉपी डाउन करोगे, तो वो दूसरा हुआ लिखकर. तो जब हम बोलते हैं तो दूसरे सुनते हैं, और जब हम लिखकर कुछ बताते हैं तो दूसरे पढ़कर हमारी भाषा को समझते हैं. जब हम बोलते हैं तो दूसरे क्या करते हैं, ऑलवेज सुनते हैं, तो हमारी भाषा को वो समझते हैं फिर वो हमारी बात का रिप्लाई देते हैं. लेकिन दूसरा टाइप क्या है कि जब हम लिखकर कुछ बताते हैं तो दूसरा पढ़कर हमारी भाषा को समझते हैं. ओके, तो बच्चों आपको पता है कि हम जैसे बात करते हैं आपस में तो भाषा की मदद से बात करते हैं. अगर भाषा होती ही नहीं तो कैसे हम बात करते, तो हम शायद इशारे से बात कर सकते लेकिन लॉन्ग टाइम तक हम वो यूज़ नहीं कर सकते. उसको हम क्या बोलते हैं, सांकेतिक भाषा बोलते हैं. क्या बोलते हैं, सांकेतिक भाषा. जैसे मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊं कि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस है, तो ट्रैफिक पुलिस क्या कर रहा है, इशारे से सबको समझा रहा है कि आपको जाना है, कि आपको स्टॉप होना है. तो वो क्या कर रहा है, इशारे से समझा रहा है. लेकिन इशारे वाली जो भाषा है, सांकेतिक भाषा है, वो हम लॉन्ग टाइम तक यूज़ नहीं कर सकते. इसलिए हम हर टाइम पे भाषा का यूज़ करते हैं. तो कौन सी भाषा, एक बोलने वाली भाषा और दूसरी लिखने वाली भाषा. जैसे यहाँ बहुत सारे पिक्चर्स है, यहाँ बेटा अपनी माँ से कुछ बता रहा है कि देखो माँ यहाँ पे चिड़िया है, तो उसने क्या किया, इशारा किया कि यहाँ पे मम्मा चिड़िया रखी है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको रेलवे स्टेशन का पिक्चर दिखाई दे रहा है, तो क्या कर रहा है, यहाँ पे गार्ड है, गार्ड क्या दिखा रहा है, हरी झंडी. तो वो भी एक इशारे से हरी झंडी लहरा रहा है. तो ये जो हरी झंडी लहराएगा वहाँ पे, तो ट्रेन चालक है वो समझ जाएगा कि अब मुझे अब ट्रेन स्टार्ट करनी है. तो ये भी एक सांकेतिक भाषा से बात कर रहे हैं. यहाँ भी मम्मी कुछ बना रही है, यम्मी सा खाना यहाँ बना रही है. तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी स्मेल आएगी, वो उस खाने की खुशबू आएगी. तो जो भी बच्चा होगा वो आ जाएगा कि मम्मी आप क्या बना रहे हो, वो भी एक भाषा है. और आपने क्रिकेट मैच तो देखी ही होगी. क्रिकेट मैच में क्या होता है कि ऑलवेज जो अंपायर होता है वो ऑलवेज एक्शन करता है, इशारा करता है, वो भी एक सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है. कि सपोज कोई भी टीम मेंबर ने या प्लेयर ने छक्का मारा या तो वो आउट हो गया, तो आपको पता है कि अंपायर ऑलवेज इशारे से समझाता है. तो वो भी एक सांकेतिक भाषा हुई. लेकिन मेन हमारी भाषा जो है बोलना और लिखना. जो हम बोलते हैं
वो हमारी मेन भाषा है और दूसरा है लिखकर। तो उसमें क्या है कि सामने वाला जो पर्सन होता है, सामने वाला जो आदमी होता है, वो इजीली हमारी भाषा को समझ जाता है। ओके, थैंक यू।